वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। फिर से मैं लाया हूँ इंडियन नेवी SSR-AA-MR का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला बोल रहा है वाई बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3। इसका हमें डोमेन निकालना है। को भी वाई का वैल्यू दिया रहता है और हम कैसे डोमेन निकालते हैं, तो एक इसके लिए कंडीशन है कि अगर कोई भी फंक्शन अगर रूट के अंदर रहता है तो उस रूट के अंदर वाले फंक्शन जो होता है वो हमेशा 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होता है। तो यही कंडीशन को लागू करके हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये वाई का वैल्यू फंक्शन था, हमें डोमेन फाइंड आउट करना था। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 का जो वैल्यू होगा वो या तो 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, क्योंकि रूट अंडर के अंदर जो भी वैल्यू होता है वो या तो पॉजिटिव वैल्यू होता है या तो 0 होता है, क्योंकि रूट अंडर के अंदर निगेटिव हो ही नहीं सकता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए हम 0 से बड़ा या बराबर करेंगे। हम इसको सॉल्व करने के लिए इक्वल का साइन लेकर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये गुणनखंड टूट जाएगा x-1 और x-3। और इसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, तो x का वैल्यू 1 और 3 आया, तो संख्या रेखा पर पहले 1 आता है फिर बाद में 3 आता है। अब 1 से पहले जैसे कि -1, 0 वैल्यू इसमें रख के पुट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और 1 और 3 के बीच में जैसे मैं 2 अगर यहाँ पे वैल्यू रख के अगर पुट करेंगे तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू आएगा, और 3 से ज़्यादा अगर वैल्यू रख के पुट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो इस तरह से हमें जो फाइंड आउट करना था कि इसका वैल्यू डोमेन 0 से हमेशा बड़ा ही होना चाहिए, तो कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो -∞ से 1 और 3 से ∞ तक। तो इसलिए इसका डोमेन जो होगा वो -∞ से 1 होगा और 3 से ∞ होगा। चलिए इसका राइट ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, -∞ से 1 और 3 से ∞। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है लिमिट x टेंस टू 0 है 3 sin x - sin 3x है बटा x³। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहला काम करेंगे कि ट्रिपल एंगल जो साइन एक्स का फार्मूला होता है, साइन 3x का फार्मूला यहाँ पुट करेंगे तो 3 sin x कट जाएगा और जो मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो ये लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू 0 है 3 sin x - sin 3x है, और हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं 3 sin x को 3 sin x छोड़ दे रहे हैं, और जो यहाँ पे sin 3x है ट्रिपल एंगल उसका फार्मूला लगा रहे हैं 3 sin x - 4 sin 3x, और ऐसा करने से 3 sin x 3 sin x कट जा रहा है और यहाँ माइनस बज रहा है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 4 sin 3x। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 तो कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे तो यहाँ बनेगा sin x/x³ और sin x/sin x लिमिट में होता है जिसका वैल्यू 1, ये रूल होता है, और 1 का क्यू करेंगे तो 1 और 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाए, बन जाएगा 4। नेक्स्ट है sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो जी हाँ, ये फार्मूला है sec x का डिफरेंशिएशन sec x * tan x। तो ये फार्मूला बेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है tan वर्स sin x है तो dy/dx क्या होगा। तो tan वर्स sin x है तो इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू चैन रूल, डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग चैन रूल के अंतर्गत इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। tan वर्स sin x है तो हम इसको dy/dx करने के लिए पहले tan inverse sin x है तो sin x के रिस्पेक्ट में कराएं और sin x को फिर dx के रिस्पेक्ट में कराएं। तो tan inverse को अगर डिफरेंशिएशन याद होगा तो 1/1 + x² होता है, लेकिन यहाँ sin x के रिस्पेक्ट में किए हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/1 sin² x, और sin x का बनेगा cos x। तो इसका राइट आंसर बनेगा cos x बटा 1 + sin² x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट अंडर 1 + cos 2x dx का इंटीग्रेट करना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये फार्मूला होता है डबल एंगल का कि 1 + cos 2x = 2 cos² x रूट अंडर में √2 dx। यहाँ से √2 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा cos² x को cos x, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा √2 sin x + c। चलिए ऑप्शन देखते हैं, √2 sin x + c ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ax कोस के अंदर x² dx है, इसका इंटीग्रेट करना है। तो जी हाँ भाई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, यानी कि यहाँ के किस फंक्शन को कुछ मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव दिखेगा। तो आप देख पा रहे होंगे x² को t मानेंगे तो 2x dx = dt अकॉर्डिंग टू हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये मेरा सवाल था, यहाँ पे हमने मान रखा है x² = t, ऐसा करने से इसका डेरिवेटिव दे देगा 2x dx = dt। यहाँ से x dx का जो वैल्यू निकलेगा वो dt/2 निकलेगा, क्योंकि यहाँ x dx का हमें चाहिए वैल्यू। तो x dx की जगह पर dt/2 और x² को मैंने मान चुका है t, तो यहाँ बना cos t। तो cos t का अब हो गया 1/2 है, तो पहले उसको बाहर निकालेंगे। अब cos t का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो sin t बनेगा, और t के जगह पे जो मैंने मान रखा था वो पुट कर दिया तो 1/2 sin
साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर राइट आंसर बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर, तो 1/2 साइन के अंदर एक्स स्क्वायर। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 0 से पाई बाई 2 लिमिट है और dx बाई 1 प्लस कोसेक्स है, तो इसका हम लोग कैसे करेंगे। तो बिल्कुल ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हाफ एंगल से चलेंगे। जैसे कि 0 से पाई बाई 2 लिमिट है, dx अपॉन 1 प्लस कोसेक्स है, तो 1 प्लस कोस थीटा फार्मूला होता है 11th के ट्रिगोनोमेट्री से, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 हाफ एंगल लगा। अब यहाँ से 1/2 अगर बाहर करेंगे तो अंदर बचेगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2, और sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का हम सीधा सीधा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का tan x बाई 2। क्यों? क्योंकि sin tan x का होता है sec स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो यहाँ x के कोफिशियंट 1/2 है, तो 1/2 से भाग देना पड़ता है। ये रूल है इंटीग्रेशन का कि अगर x का जो कोफिशियंट रहेगा उससे भाग दिया जाता है, तो 1/2 से भाग कर दिया, और इसका sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बनता है tan x, तो यहाँ बनेगा tan x बाई 2, और 0 से पाई बाई 2 लिमिट, 1/2 से 1/2 पूरा कट गया, और यहाँ x के जगह पे अगर पाई बाई 2 रखेंगे तो यहाँ बनेगा पाई बाई 4 माइनस 0, और tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1, तो इसका रिजल्ट आएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट बोल रहा है डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0 का ऑर्डर ज्ञात करना है। ऑर्डर का मतलब होता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार उस इक्वेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बार डिफ्रेंसिएशन किया गया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार डिफ्रेंसिएशन किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है, इसलिए इसका ऑर्डर बनेगा 2। नेक्स्ट बोल रहा है ए बी सी अगर ए पी में है तो हमें बताना है कि ए बी बाई ए बी प्लस ए सी सी ए बाई डी सी प्लस बी ए ए बी बाई सी ए प्लस सी बी एक किस में होगा, ए पी में होगा, जे पी में होगा, एच पी में होगा, या क्या होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे सवाल दे चुका है ए बी सी ए पी में है, तो हम लोग ये काम करा सकते हैं कि ऊपर नीचे सेम नंबर से गुना भागा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें करा दिया बी सी बाई बी सी क्योंकि कट के तो फिर यही बन जाएगा, इसमें ए सी बाई ए सी, इसमें ए बी बाई ए बी, ए बी फंक्शन ए बी जो बनेगा वो ए पी में ही बनेगा। अगर हम लोग बाद में देखें तो ऊपर को गुना करा के ए बी सी ए बी सी ए बी सी और नीचे बी सी ए सी ए बी लिख सकते हैं जो कि ए पी में ही होगा। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं ए बी सी से अगर भाग करेंगे सब में, तो ए बी सी से अगर भाग करेंगे तो यहाँ बनेगा 1/BC ए सी, क्योंकि ए बी सी से भाग करेंगे तो ए बी सी से ए बी सी कट जाएगा ना, तो नीचे तो बी सी और ए सी और ए बी ही बचेगा 1/ में जो कि ए पी में होगा। अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से गुना कर रहे हैं। ऐसा अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमको तो इस फॉर्म का लाना है ना जहाँ से सवाल दे रहा था, सवाल इस फॉर्म में हमको चेंज करना है कैसे भी करके, ताकि हमको ये पता चलेगा कि ये जो फंक्शन है वो किस में है, ए पी में होगा कि जी पी में होगा, एस पी में होगा। इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से गुना कर रहे हैं, और गुना कराने से जो मिलेगा देखते हैं, ऊपर भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बनेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो कि ए पी में ही होगा, क्योंकि सब टर्म में अगर सेम नंबर से गुना करते हैं तो ए पी में ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए बी से बी सी से बी सी कटेगा, तो ए बी प्लस सी ए बटा बी सी बचेगा और प्लस 1, यहाँ भी ए सी ए सी कटेगा और जो बाकी बचा लिखा गया है, ए बी कटेगा और जो बाकी बचा लिखा हुआ है जो कि ए पी में ही होगा। अब सब में एक घटा रहे क्योंकि एक घटाने से सब में ये कैंसिल आउट हो जाएगा और वो भी ए पी में ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसमें से एक घटाते हैं, तो यहाँ बनेगा ए बी प्लस ए सी बाई बी सी, और यहाँ भी यही टर्म बचेगा, सिर्फ 1 खत्म होगा वो जो कि ए पी में होगा। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे हमें तो इसका उल्टा पूछा जा रहा है, तो उल्टा अगर जैसे इसको पलटेंगे तो वो किस में बन जाएगा, एच पी में बनेगा, क्योंकि ए पी जो होता है एच पी का इन्वर्स होता है। तो हमें बोल रहा था कि ए बी सी बाई दिस ए सी बाई दिस ए बी बाई दिस किस में है, तो इसको पलटेंगे तभी तो वो फॉर्म बनेगा, तो इसको पलटने पे पता चल रहा है कि ये चीज़ किस में है, एच पी में है। तो इसका राइट आंसर चेक करेंगे, इसका राइट आंसर एच पी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि यदि ए बी सी एच पी में है तो बी बराबर क्या होगा, तो ये फार्मूला बेस्ड है, प्रॉपर्टीज है कि अगर ए बी सी एच पी में है तो बी बराबर जो होगा वो 2ac बाई ए प्लस सी होगा। ए एच पी का प्रॉपर्टीज है बोल सकते हैं, तो ए एच पी का प्रॉपर्टीज है कि अगर तीन टर्म्स लगातार एच पी के हैं तो बीच वाला जो टर्म्स है वो 2ac अपॉन ए प्लस सी के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + ω, 1 + ω² 1 + ω⁴ 1 + ω⁴ 1 + ω⁸ इस तरह का क्वेश्चन है,
सॉरी इसके पहले 86 को देखें तो आयोटा माइनस टू का हॉल स्क्वायर है, तो आयोटा माइनस टू के हॉल स्क्वायर है तो इसको नहीं ए माइनस बी के हॉल स्क्वायर पर तोड़ देना है। चलिए इसका सॉल्यूशन ही दिखा देते हैं। ए माइनस बी के हॉल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी करेंगे तो ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम पहले बता चुके हैं माइनस वन होता है और टू का स्क्वायर फोर माइनस फोर आयोटा और इसको इसको एक साथ रियल पार्ट को जोड़ेंगे तो थ्री माइनस फोर आयोटा जो कि ऑप्शन में दिख रहा होगा थ्री माइनस फोर आयोटा पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ये सब मल्टीपल में है और हमें इसका वैल्यू चाहिए तो आपको जानना चाहिए कि वन प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जीरो होता है और ओमेगा क्यू का वैल्यू वन होता है। यहाँ से आप अगर देख पा रहे होंगे तो वन प्लस ओमेगा इस इक्वेशन से माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे माइनस ओमेगा लिख सकते हैं इस इक्वेशन से और ओमेगा के पावर फोर है तो इसको तीन दो टर्म तोड़ दिए ओमेगा का क्यू और ओमेगा का पावर वन। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ओमेगा क्यू का वैल्यू होता है वन, ओमेगा के पावर एट है तो इसको कर दिए तीन ओमेगा क्यू के पावर स्क्वायर तीन दूना छः और दो आठ। ऐसा करने से ओमेगा क्यू का वैल्यू बन जाएगा वन और वन का स्क्वायर तो वन होता है और वन को ओमेगा स्क्वायर से गुना करेंगे तो वन ही बनेगा। तो हम लोग ऐसा इसलिए तोड़ दे रहे हैं क्योंकि ओमेगा क्यू का वैल्यू वन होता है इसलिए ओमेगा क्यू के फॉर्म में तोड़ने के बाद जो बच रहा है उसको वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। तो ये तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यू बन गया जिसका वैल्यू एक बन गया और वन प्लस ओमेगा क्यू का वैल्यू वन होता है तो यहाँ पे जो बच रहा है वन प्लस ओमेगा बचेगा और ओमेगा क्यू का वैल्यू वन और वन का स्क्वायर वन यानी कि बचेगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से माइनस ओमेगा दिस इक्वेशन से तो यहाँ से पता चल रहा है ओमेगा क्यू और ओमेगा क्यू का वैल्यू होता है वन तो यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा वन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ए और बी दो मैट्रिक्सेस हैं और इन दोनों को हमें मल्टीपल करना है तो जी हाँ दो मैट्रिक्सेस को मल्टीपल करना आपने ट्वेल्थ में सीखा होगा कैसे करते हैं मल्टीपल तो चलिए दिखाते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। ए और बी दो मैट्रिक्सेस हैं और दोनों को मल्टीपल करना है तो हमेशा जो मल्टीपल करने का तरीका होगा ऐसे जाते हैं और नीचे की तरफ आते हैं तो वन को जीरो के साथ करेंगे जीरो, वन को वन के साथ करेंगे वन और उस इसी टर्म्स को नीचे के साथ दोगुना करेंगे तो जीरो को जीरो के साथ जीरो, वन को वन के साथ वन तो ये पहला वाला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा के साथ करेंगे तो दूसरा के साथ भी नीचे ही जाएंगे, फर्स्ट से शुरू होंगे वन को वन से वन, वन को जीरो से जीरो, जीरो को वन से जीरो और वन को जीरो से जीरो और फिर जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे वन 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 जीरो आएगा तो ए बी का जो रिजल्ट होगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। देख पा रहे होंगे ऐसे करते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट बोल रहा है वन है ओमेगा स्क्वायर है डिटर्मिनेंट है। आप देख पा रहे होंगे ध्यान से देखिए डिटर्मिनेंट को हम कुछ ऐसा करने वाले इसमें चेंज जो कि रिजल्ट डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। आप खुद समझिए ना कि ये कॉलम वन है कॉलम टू है कॉलम थ्री है तो कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री को जोड़ने से हमें रिजल्ट जो मिलेगा वन प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मिलेगा जिसका वैल्यू आप जानते ही हैं जीरो है अभी अभी हम बताए थे। तो हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट में ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं कॉलम वन में रख रहे हैं कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री को जोड़ने के बाद तो कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री को जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो बनेगा कॉलम वन में वन प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और बाकी कॉलम टू कॉलम थ्री वैसा ही रहेगा और जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं जीरो 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 होता है। और एक डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज है कि अगर किसी भी रो और कॉलम पूरा का पूरा जीरो बन गया तो उसका वैल्यू ही जीरो होता है तो ये प्रॉपर्टीज है इसलिए हमने डायरेक्ट इसका आंसर किया है जीरो। तो ऑप्शन देख पा रहे हो इसका आंसर जीरो दूसरा सही होगा। एक ये भी कम्बिनेशन का एक प्रॉपर्टीज है कि अगर एन सी आर बराबर एन सी के है तो इसका दोनों में क्या रिलेशन होगा तो सही रिलेशन आर प्लस के बराबर एन होगा यानी कि जो यहाँ पे एन होता है वो नीचे वाला का सम के बराबर होगा एन बराबर आर प्लस के बराबर होगा आर प्लस के बराबर होगा एन। तो अभी कॉम्बिनेशन का ये प्रॉपर्टीज है तो बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है दो इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि दोनों का कटान बिंदु तो जी हाँ कटान बिंदु का मतलब होता है कॉमन। जब भी दो इक्वेशन देखे और आपसे कटान बिंदु पूछे ना तो आप खुद दिमाग लगाइए ना कि कटान बिंदु दो कटान बिंदु कब होंगे जब कोई कॉमन एक्स कॉमन कोऑर्डिनेट्स दोनों में होना चाहिए तभी तो कटान बिंदु होगा। तो हम लोग यहाँ से कॉमन निकालेंगे और कॉमन निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को सिंपल सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। दो इक्वेशन दिया हुआ था हमें कटान बिंदु निकालना है। आप इतना बात मानिए कि कटान बिंदु के लिए एक्स वाई का जो वैल्यू होता है वो कॉमन वैल्यू होता है क्योंकि अगर दो लाइन से अगर दोनों को कटने चाहिए तो ये वाला कोऑर्डिनेट्स इस लाइन में भी आएगा इस लाइन में भी आएगा मतलब कि दोनों के लिए हमें कॉमन वैल्यू चाहिए और कॉमन तभी निकलेगा जब दोनों इक्वेशन को से चलेंगे। तो चलिए अगर फर्स्ट में दो से गुना करेंगे तो 4y और 4y कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बनेगा 6x और 5x 11x और 8 दोना 16 6 और 22
और दो मरतबा में कट जाएगा, और एक्स का वैल्यू दोनों इक्वेशन में भी किसी में भी पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू माइनस वन बनेगा, इसलिए एक्स का वैल्यू टू और माइनस वन ये दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाइड करेगा। आप चेक कर लीजिए, क्योंकि कटान बिंदु तो यहाँ होगा तो दोनों इक्वेशन दोनों लाइन में आएगा, इसलिए एक्स वाई का वैल्यू कॉमन होना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, आंसर बनेगा टू और माइनस वन, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट बोल रहा है, एक वृत्त का समीकरण दिया हुआ है, यानी सर्किल का इक्वेशन दे के आपके केंद्र पूछ रहा है और त्रिज्या पूछ रहा है। दोस्त बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सेट में आ चुका है और क्वेश्चन भी आते होंगे, आते ही हैं, क्योंकि इतना सेट में बहुत बार रिपीटेड किया है, तो आप बिल्कुल इसको रिवीजन करके जाइए। अगर किसी भी सर्किल का इक्वेशन दिया रहेगा तो सेंटर कैसे निकालते हैं, त्रिज्या कैसे निकालें, बहुत बार आपको बता चुके हैं। प्लीज़ आप पीछे वाले वीडियोज़ को ज़रूर देखें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कैसे सेंटर निकालते हैं, कैसे रेडियस निकालते हैं किसी भी सेंटर सर्किल के इक्वेशन से। तो प्लीज़ ये सब सारी चीज़ें बताई गई है, तो इस पर हम टाइम को लॉस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, पाराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर बराबर 4x और एक कोऑर्डिनेट एक पॉइंट है 81 स्क्वायर और दूसरा है 281 पर अविलंब दो बार यदि बिंदु इतना पर मिलते हैं। बोल रहा है कि दो बार मिलते हैं, यानी कि ये जो पाराबोला है, मतलब कि ऐसे है, दिखा रहे हैं एक पाराबोला है, एक पॉइंट इतना पर मिलते हैं और एक पॉइंट इतना पर मिलते हैं, मतलब कि दो बार मिलते हैं पाराबोला। तो ये पाराबोला जो है, पाराबोला का इक्वेशन दो पॉइंट्स पे मिलते हैं, तो कौन सा इसमें से सही रिलेशन है? तो बिल्कुल ये भी प्रॉपर्टीज़ है, बोल सकते हैं कि फार्मूला बेस्ड है। आप अगर ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं जो आप लोगों को याद रखने पड़ते हैं। तो अगर कोई पाराबोला का इक्वेशन दो पॉइंट से अगर गुजर रहे हैं तो दोनों में जो रिलेशन होता है वो T2, यानी कि जो बाद वाले में होगा T2 बराबर माइनस T1 माइनस 2/T1 के इक्वल होता है। तो ये बिल्कुल रिलेशन है, बिल्कुल इसको याद रखिए, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ऊपर आने में अंकों का साथ होना चाहिए? देख लीजिए फिर से, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वो पेज पलट गई थी, तो फिर से देख लीजिए। दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ऊपर आने वाले अंकों का योग साथ होगा? तो आप खुद से सोचिए कि दो पासे को अगर हम फेंकें तो टोटल जो इवेंट होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वो 6 का स्क्वायर बनेगा 36, और योग आना चाहिए 7, योग आना चाहिए 7। तो अब किसका किसका सम होगा 7? तो 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6 होगा जिसका सम 7 मिलेगा। तो हम लोग आराम से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, एनी बाई एन एस, एनी है 6 और टोटल है 36, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी बी बराबर दिया है 2/5, तो हमें पी बी नॉट निकालना है। बहुत सिंपल सवाल है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो नहीं होने का प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो नहीं होने का प्रायिकता हमेशा एक में से माइनस करते हैं, तो एक में से 2/3 घटाएंगे तो 1/3 होगा, ऑप्शन नंबर पहला आंसर। आई क्रॉस जे, बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखिए कि आई जे का क्रॉस जो देता है वो के देता है। आप पढ़े होंगे तो एक सर्किल होता है जिसपे एक आई होता है, यहाँ पे एक जे होता है और यहाँ पे के होता है। आई जे का अगर करना होगा तो के मिलेगा, और जे के का करना होगा तो जो बाद वाला बचेगा वो आई मिलेगा, के आई का करना होगा तो जे मिलेगा। अगर उल्टा चलते हैं जे आई का तो माइनस के मिलेगा, यानी कि जे क्रॉस आई पूछता तो उल्टा रिवर्स चलना पड़ता ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में हम देखते हैं माइनस के हो जाता। तो यहाँ सीधा सीधा पूछा था आई क्रॉस जे, तो इसका राइट आंसर के बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वेक्टर दिया है और इसके बीच में एंगल निकालना है। तो ये भी बहुत बार रिपीटेड है, आप दो वेक्टर से कैसे एंगल निकालते हैं, दो वेक्टर को कैसे डॉट करते हैं, कैसे क्रॉस करते हैं, ये सब सारा चीज़ प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये चीज़ें हम बताए हुए हैं, तो प्लीज़ हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि कैसे दो वेक्टर को हम कोण निकालते हैं। तो प्लीज़ पीछे वाले वीडियोज़ को ज़रूर आप देखें, बहुत बार ऐसा रिपीटेड क्वेश्चन मिल चुका है कि दो वेक्टर से हम लोग एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 2/5 है, तो टेन ए प्लस टेन ए टेन बी, टेन बी टेन सी, टेन सी टेन ए का वैल्यू क्या होगा? तो चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 2/5 है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर, इस सी को राइट साइड भेजेंगे तो 2/5 माइनस सी, और दोनों तरफ टेन टेन लेंगे। क्यों टेन लेंगे? क्योंकि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो टेन के टर्म्स में है, इसलिए दोनों तरफ टेन लेंगे। तो टेन ए प्लस बी, टेन 2/5 माइनस सी, यहाँ पे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला ले लेंगे, टेन ए टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी, और यहाँ बनेगा टेन 90° माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी कि कॉट सी, और यहाँ जो बनेगा टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी,
और इस कोट को फिर से 10 में चेंज करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 है 10 सी, 10 भी 10 सी बराबर 1 को इधर से गुना करेंगे तो 1 माइनस 10 है इनटू 10 सी। उसके बाद 10 है 10 भी, 10 भी 10 सी और 10 सी 10 है का जो वैल्यू होगा वो इसको अगर लेफ्ट में लाएंगे तो इसका वैल्यू 1 बचेगा तो इसका कैलकुलेशन 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर देख पा रहे होंगे दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन कोट इनवर्स टेन कोट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो आप देख पा रहे होंगे साइन कोट इनवर्स टेन कोट इनवर्स एक्स है तो कोट इनवर्स एक्स को हम चेंज करेंगे टेन के इनवर्स के टर्म में, क्योंकि टेन इनवर्स इसलिए क्योंकि टेन टेन इनवर्स एक्स एक्स होता है इसलिए कोट इनवर्स को हम चेंज कर दिए टेन इनवर्स एक्स में बाय किससे करेंगे तो पी बाई एच, एच बाई पी, ऐसे हम लोग टेंथ में फार्मूला सीखे थे उसके अकॉर्डिंग अगर टेंथ में हम लोग टेंथ के अकॉर्डिंग करेंगे काम तो कोट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करेंगे तो यहाँ बनेगा टेन टेन इनवर्स एक्स, एक्स देता है तो यहाँ बच गया दिस यानी कि रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब ये कॉट इनवर्स में एक्स में है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे साइन इनवर्स में, क्यों क्योंकि साइन इनवर्स एक्स एक्स दे देगा तो इसको जैसे ही चेंज करेंगे तो यहाँ बनेगा साइन इनवर्स में एक्स और साइन इनवर्स साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स देता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में ऐसा सीखे होंगे तो इसका आंसर एक्स बनेगा 99 का ऑप्शन नंबर एक्स। देख लीजिए कौन सा सही है ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेट का 10 के पावर x log 10 के पावर a है तो इसको चलिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं देखते हैं। 10 के पावर x है log बेस 10 ऑफ a है तो हम लोग जानते हैं कि log के अगर कुछ भी x रहेगा तो इसको हम लोग जाके पावर चढ़ा सकते हैं तो वही काम किया है यहाँ के x को हटा कर यहाँ के ऊपर x डाल दिए हैं। ऐसा करने से log एक प्रॉपर्टीज है कि अगर 10 बेस पे यानी कि कुछ भी पावर रहेगा log का जो बेस है अगर दोनों सेम रहेगा ना तो वो कट जाता है उसका वैल्यू नहीं होता है और जो बाकी बचता है उसका वैल्यू होता है 1 की पावर x। यानी कि प्रॉपर्टीज है कि अगर b है log b है और 5 है तो ये दोनों सेम सेम है तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं 5। तो उसी रूल पे इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो 1 के पावर x इज राइट आंसर जो कि ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है ऑप्शन नंबर बनेगा दूसरा। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ आज का इस आज सेट का 25 क्वेश्चन। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।